गुड मॉर्निंग बच्चों, DSR पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास वन का हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, अध्याय 5। लिखा है नाम वाले शब्द, नेमिंग वर्ड्स, नाम वाले शब्द। लिखा है ऊपर के चित्र में जो वस्तुएं दिखाई दे रही है उनके नीचे दिए गए स्थानों पर लिखिए। यानी जो भी ये चित्र में तुम लोग को दिखाई दे रहा है उसको इसमें क्या करना है, भरना है। देखो, भर लेना कप, प्लेट, केतली, घड़ी, किताब, टीवी, दरवाज़ा, टेबल, फूल, यही सब जितने भी चित्र दिखाई दे रहा है, पर्दा, खिड़की, दरवाज़ा, सब ये क्या करना है, इसमें भरना है। ये क्या है, सब नाम है, हर चीज़ का नाम होता है। वहीं ये टेबल, कुर्सी, केतली, कप, इस खाने में भर देना है। फिर कह रहा है कमरे में रखी हर चीज़ का एक नाम है, जितना भी ये कमरा में वस्तु दिखाई दे रहा है ये सबका क्या है, एक नाम है। इन नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ऐसे ही संसार की हर वस्तु का एक नाम है, उस नाम में ही वस्तु की पहचान होती है, नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कहने का मतलब संसार में दे पूरे संसार में ऐसा कोई भी चीज़ ना हो, कोई भी वस्तु ना हो कि उसका नाम ना हो। नाम से ही उसको हम लोग जानते हैं, छोटे वस्तु या बड़े वस्तु, उसको नाम के द्वारा ही हम लोग उसको पहचान करते हैं। संसार में अगर नाम न रहे तो हम लोग उसका पहचान नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में वो क्या है। लेकिन नाम के द्वारा ही संसार के हर चीज़ों को हम लोग उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, उसका पहचान करते हैं। छोटे चीज़ हो या बड़े चीज़ हो, संसार में ऐसा कोई भी चीज़ न हो कि उसका नाम न हो। ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो कि उसका नाम नहीं हो, बिना नाम का हो। तो वही कह रहा है कि नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। अब यह समझ में आया, संज्ञा किसे कहते हैं, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। हर चीज़ का एक नाम होता है और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। फिर आगे ये दिया है अलग अलग नाम, इसे वस्तुओं के नाम है, पंखा, पुस्तक, मेज। व्यक्तियों के नाम समीरा, मोहित, गांधी जी। स्थानों के नाम घर, विद्यालय, पुस्तकालय। भावों के नाम प्रसन्नता, दुख, मिठास। ये सभी नाम है, इसलिए संज्ञा है। मैंने यहाँ पर अलग अलग देखकर समझा दिया है कि वस्तुओं के नाम हो या व्यक्तियों के नाम हो, स्थानों के नाम हो या भावों के नाम हो, ये सब क्या है। उन पर दुख पड़ा है, अरे दुख, दुख क्या है, एक भाव प्रकट कर रहा है, ये भी एक नाम के ही तरह हुआ, तो उसको भी हम लोग संज्ञा का ही रूप देंगे। फिर यहाँ पर लिखा है हमने सीखा हर वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है बेटा, हर वस्तु, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम जरूर होता है। हर वस्तुओं को उनके नाम से ही पहचानते हैं। ठीक है, जितना भी संसार में वस्तु है उसको हम लोग नाम के द्वारा ही पहचान सकते हैं। अगर उनका नाम न ही रहता तो हम लोग उसको पहचान नहीं कर सकते। नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। नाम वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा। फिर लिखा है आओ लिखकर देखें, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और उसमें से जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है उनके नाम लिखिए। यहाँ पर भी ये तुम लोग को भरना है, इस चित्र में जितना भी देख रहे हो ना, ये इस चित्र में जितना भी दिखाई दे रहा है, जैसे बैलून हो गया, गुब्बारा, मिठाई, दुकानदार,
ये लड़का लड़की औरत चरखा ये सब क्या करना है, इसमें भरना है, भर लेना। फिर एक एक नाम लिखिए, एक एक नाम लिखना है, अपनी पसंद का फल, अपनी पसंद की सब्जी, अपनी पसंद का फूल और अपना प्रिय मित्र, यहाँ पर क्या करना, नाम भर लेना। दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। किस चीज़ का चित्र है, थैला, ये किस चीज़ का चित्र है, केला, ये मोर। फिर यहाँ पर लिखा है आओ करके देखे, दिए गए चित्र के सही नाम पर गोला लगाइए। ये किस चीज़ का चित्र है, थर्मस, तो यहाँ पर थर्मस में से गोला लगा लेना। ये किताब है और ये फूल है। जिस नदी को आपने देखा है उनका नाम पता कीजिए, वह दिए गए स्थान पर लिखिए। यहाँ पर खोजबीन करना है, पर है कि जिस नदी को आपने देखा ये नदी है, जिस उनका नाम पता कीजिए, वह दिए गए स्थान पर लिखिए। यहाँ पर लिखना है जो भी आप लोग नदी का नाम जानते हैं, उस नदी के नाम पता लिखना है, को कौन सी नदी है, जो भी जानते हो नदी और उसका पता लिखना कहाँ का है, और इसे यहाँ पर क्या करना है, भरना है। ठीक है, तो संज्ञा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको ये बुक में